भाई पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ ये रुक जाओ भाई आ रहे हैं मुझे क्या मालूम हुआ है ये रुक जाओ रोल 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 रुक जाओ रुक जाओ भाई लगा देना यार कितना टाइम है 5 मिनट दिया है उसने कैसा लग रहा है आप बाहर आ चुके हैं बहुत ही लंबे समय तक रहे और नजदीक थी बस फाइनल की ट्रॉफी आपके पास क्या लग रहा है 3 दिन पहले बाहर निकली हूँ मैं बट मैंने जेन्युइनली सोचा नहीं था मैं यहाँ तक भी पहुँचूँगी आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी जर्नी रही है बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे पूरा रोलर कोस्टर राइड था मेरे लिए इन ट्रू वर्ड्स लेकिन तो या आई थिंक इट वाज गुड आई अभी तक बाहर आई हूँ तो ऐसे अजीब सा फील हो रहा है थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं अजीब सा ही फील है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या फील हो रहा है ऐसे इतने सारे लोग देख के ऐसा ट्रैफिक देख के कल रात को मैं बाहर निकली थी कल रात को मैं बाहर निकली थी तो ऐसे ट्रैफिक लोग सब देख के मैं थोड़ी सी थोड़ा अजीब सा ही फील हो रहा था बट nonetheless, I was very happy जब मैं अपने फैमिली को मिली अपने दोस्तों को मिली so I was very happy about that and बहुत सारी चीज़ें पता चली मुझे आपने अंदर बहुत अच्छी तरह से खेला साथ ही साथ you become very emotional inside the house जब वो जो 25 मिनट वाला टास्क था उस पर आप काफी emotional हुई उस पर तो क्या कहना चाहोगे और पूजा भट्ट ने जिस तरह से आपको intimate किया inside the house what is your take on that वेल बहुत सारी चीज़ें हुई है अंदर और मेरे पीठ पीछे भी जो मुझे पता चली अब बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं वो मुझे अंदर भी वो फील था कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं बट इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी मेरे बारे में मैं इतनी फेवरेट थी सबकी ये तो मुझे पता ही नहीं था बाहर आके पता चला बट ठीक है अब बाहर आ गई हूँ तो मुझे ऐसे किसी से कुछ भी कुछ है नहीं दिल में सिवाय प्यार के तो बस वही सो मिड वीक इविक्शन था उसके अंदर कितना हर्ट हुआ और जो कि अभिषेक ने ही रिवील किया था तो कितना ज्यादा लाइक नर्वस थे कितना शॉक था क्योंकि अभी जिया तो चल ही रहा था सब जगह अभी हां अभी आई एम ग्लैड कि वो उसने रिवील किया शुरुआत वहीं से हुई थी हमारी हम दोनों स्टेज पे आए थे एंड देन एंड कहीं ना कहीं वैसे ही हुआ बट वैसे एज इन वैसे नहीं कि हम दोनों टॉप टू में थे लेकिन ठीक है उसकी तरफ से वो एक गुड बाय था वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था मेरी जर्नी इतनी रही है आई एम जस्ट ग्लैड कि आई लेफ्ट ऑन अ वेरी गुड नोट आई फील और जब बाहर आके देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे समझा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा मेरी तरह सोचा मुझे जो कुछ भी मैं अंदर कर रही थी उसे समझा एंड दैट्स व्हेन दे रियलाइज्ड मुझे ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैंने कह रही दैट शी इज सच अ प्योर सोल तो या आई एम जस्ट आई फील गुड अबाउट दैट आपके बारे में नेशनल क्रश आपका कही जा रही है क्या कहना चाहिए अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल रही है तो मुझे अभी अभी पता चला कि नेशनल क्रश बोल रहे हैं मुझे यार बहुत बड़ी बात है तो मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ मैं सिर्फ ब्लश कर सकती हूँ घर के अंदर जो एंगल चल रहा था अभिषेक के साथ क्या वो घर के बाहर भी देखने को मिलेगा कौन सा एंगल चल रहा था जो नजदीक क्या हो रही थी स्वीट एंगल नजर आ रहा था नो आई सेड दैट ही इज स्पेशल फॉर मी वो अंदर मैंने कहा था मैं बाहर आके भी यही कहूँगी डेफिनेटली मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली है और कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ है आई एम नॉट गोइंग टू लाइक कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ मैं सबसे मतलब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता मुझे बहुत बुरा लगता है यार इंसान हूँ मैं
तो बहुत सारी चीज़ें पता चली है जो मेरे पीठ पीछे हो रही थी. आई फील बैड अबाउट दैट बट देन नो हार्ड फीलिंग्स. एंड देन आई नो अभिषेक को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली हर जगह से, तो कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है. मुझे कुछ ऐसा रखना नहीं है अपने दिमाग में. मैं उसी फीलिंग के साथ रहना चाहती हूँ जिस फीलिंग के साथ मैं अंदर थी, स्पेशली अभिषेक के लिए. और बाहर आके भी मुझे वही फीलिंग रखनी है अपने अंदर. सिस्टम के गिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके सिस्टम ऐड ऑन करते हैं, अभिषेक या फिर एल्विश? अभिषेक या एल्विश? मैं चूज ही नहीं कर सकती उन दोनों के बीच में, बहुत टफ है. दोनों बहुत ही डिजर्विंग. कंफर्टेबल भी हुई थी एल्विश के साथ जब लोगों ने आपको काफी टारगेट किया इनसाइड द बिग बॉस हाउस, बट एल्विश के साथ आप जाकर बैठते थे, बातचीत करते थे. जब नॉमिनेशन भी हुआ, जब आपने खुद के बारे में भी आपने सोचा, हाउ अविनाश टारगेटेड यू आल्सो इनसाइड द बिग बॉस हाउस, तो क्या कहना चाहोगे? सब आपने दो क्वेश्चन यार मैम, क्या कहना चाहोगे? एल्विश के साथ आप बैठे, बातचीत की आपने, और सब आपने अभिषेक को भी समझाया कि अभिषेक भी बोला कि विश्वास नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहोगे? सब लोगों ने आपको विलन बना दिया था घर के अंदर. कोशिश बहुत होने की मुझे विलन बनाने की, बट ऐसा हुआ नहीं. सॉरी गाइस, तुम लोग नाकामयाब रहे इसमें. बट तो इट इज व्हाट इट इज. मैंने हमेशा कहा, जैसे मैंने ऐसे जिस तरीके से मेरी बैक बिचिंग हो रही थी वैसे मैंने नहीं की है किसी की. और रही बात एल्विश की, तो आई थिंक इट इज़ अ, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी, लोगों के लिए भी. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि एल्विश के साथ मेरा कोई बॉन्ड बनेगा बाद में. लेकिन टुवर्ड्स द एंड जैसे मैं उन्हें एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग मैंने जाना, आई थिंक ही इज़ अ प्योर सोल. वो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही स्वीट है और बहुत फनी है, बहुत ज़्यादा फनी है. और हमारी बातें, बिल्कुल ऐसे लगता नहीं है कि वो 24 साल का है, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छी है. जब मैंने उससे वन ऑन वन बात की और हमारा जो एंड में बॉन्ड बन रहा था, आई थिंक दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी स्पेशल. सो अभिषेक और एल्विश की लड़ाई भी देखने को मिल रही है घर में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उस बारे में? और एक और क्वेश्चन है कि एल्विश के सिस्टम के बारे में दो शब्द आप क्या कहना चाहोगे? एल्विश का सिस्टम, उसको बाहर लोग बोल रहे हैं और सिस्टम ने हिला डाला, ये वो जो भी है, मैं हाँ लोगों का सिस्टम हिल गया है या जो भी है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि उसका सिस्टम मेरे लिए एकदम छोटा सा दिल है यार, जो बहुत ही, वो बाहर वो कोकोनट की तरह है, बाहर से एकदम सख्त लेकिन अंदर से एकदम. लेकिन क्या आप एल्विश को डेट करना पसंद करेंगे? डेट पागल है क्या? बाहर यहाँ कुछ भी सवाल पूछते हैं, किस किस को डेट करूँ मैं, किस किस से एंगल लगाओगे मेरा भाई? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन. अभिषेक और एल्विश की लड़ाई की, लड़ाई की क्या लड़ रहे वो लोग घर के अंदर? उनकी थोड़ी बहस हो गई थी क्योंकि अभिषेक ने अपनी मॉम को ये कहा था कि जो व्हाइट कार्ड में आता है. नहीं, तभी तो वो लोग लड़े नहीं थे. ठीक है, ऐसे हेल्दी वे. अच्छा, मेरे बाहर आने के बाद लड़ रहे, ठीक है यार, कोई बात नहीं. वो तो गेम के अंदर बहुत सारी चीज ऐसे होती है, तो आई डोंट थिंक ये ऐसे इतना सीरियसली बाहर के लोगों ने लेना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई नो कि वो लोग एक दूसरे को दिल से भाई मानते हैं. तो अगर वहाँ पे झगड़ा कुछ हो रहा है तो उसको इतना सीरियसली मत लो. एंड ऑफ द डे जो वर्दी है वो जीतेगा, और बाहर आके आई एम श्योर उनका भाईचारा स्ट्रॉन्ग रहेगा. थैंक यू गाइस.